जबलपुर की पनागर तहसील के अंतर्गत बाबूलाल सेन की पैतृक जमीन का फर्जी वसीहा तैयार कर संपत्ति का नामांतरण कर दिया गया, जिसकी शिकायत को लेकर बाबूलाल सेन एवं उनके परिवार द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर को एक शिकायत सौंपी गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि पनागर तहसीलदार द्वारा फर्जी वसीयतनामा तैयार कर संपत्ति नाम पति की गई, जिसकी अपील लगातार की जा रही है। अभी तक कोई शिकायत का निराकरण नहीं हो पाया है, इसकी जन सुनवाई में शिकायत की गई है और न्याय की मांग की है। बाबूलाल सेन जी की जमीन है, उनके जो अन्य वारिस खड़ी हैं लक्ष्मी कुसुम माया संपत ममता और महेश सेन और छोटे लाल सेन, जो छोटे लाल सेन और महेश सेन दोनों का स्वर्गवास हो गया, बाबूलाल जी के लड़कों का और बाबूलाल जी का भी स्वर्गवास हो गया, तो उनके जो अन्य वारिस हैं उनके नाम आने थे ज़मीन में, तो उनके बड़े लड़कों के लड़कों ने 420 करके अपने नाम चढ़वा लिए। कौन अधिकारी ने किया है ये? नीताकोरी मैडम है पनागर की तहसीलदार मैडम, पहले इसको तहसीलदार साहब ने पास कर दिए थे चतुर्वेदी जी ने, मतलब वो वसीयत को उनकी खारिज कर दिए थे, फिर इन लोगों ने अपने दूसरे भाई के नाम से उस वसीयत को लगाई। जब नीताकोरी मैडम पोस्ट में आई थी तो मैडम ने ना कोई पेपर में इस्तार निकाला और ना किसी को जानकारी दी और उस वसीयत को पास कर दी। आपने अधिकारी को जानकारी दी कि ये फर्जी वसीयत? जी अधिकारी को जानकारी दी हमने, लेकिन अधिकारी सुनने से इनकार कर दिए, बोले आप ऊपर जाके अपील करिए।